आप ये जो बलूचिस्तान से संगमरमर का पत्थर लेके गाड़ियाँ आती हैं वो हमने पकड़ी है कि किस तरह उनकी जो पत्थर की आड़ में डीजल ईरानी स्मगल शुदा डीजल जो है वो यहाँ पाकिस्तान में या कराची में लाया जाता है। तो ये आप देखें कि बिल्कुल अगर आम हालात में इसको गाड़ी को देखें तो किसी का भी शक नहीं आएगा कि इसके अंदर डीजल स्मगल हो रहा है, क्योंकि जब ये गाड़ी बलूचिस्तान से यहाँ कराची में दाखिल होती है तो इसमें पत्थर लोड होता है। ये पत्थर के नीचे ये खाने बने होते हैं, खानों को देखें, ये देखें खुफिया खाने बने होते हैं। इन पर जब पत्थर आ जाता है तो ये बिल्कुल छुप जाते हैं। इसके बाद इसी तरह पूरी बॉडी में ये छह कंटेनर बनाए गए हैं, आप ये देखें, ये देखें किस तरह उसके अंदर डीजल, ये देखें डीजल जो है वो उसके अंदर मौजूद है। और ये एक खाने का डीजल जब हमने चेक किया तो 200 लीटर से ज़्यादा है, 6 खाने 1200 लीटर ये डीजल इसके अंदर छुपाया गया है। और आमतौर पर बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि इसके अंदर जो है वो डीजल लाया जा रहा है। उसके बाद ये देखें इसका जो केबिन है ये पूरे का पूरा एक बड़ा खाना है जिसके अंदर तकरीबन 1500 से 2000 लीटर तक डीजल आता है। और इसी तरह इस पर इजाफी टैंक लगाए गए हैं दोनों तरफ, उन इजाफी टैंक्स में तकरीबन एक टैंक में 8-8 लीटर आता है। तो ये तकरीबन एक जो गाड़ी है पत्थर वाली ये 4000 लीटर एक्स्ट्रा लेके आती है जो कि यहाँ पर वो फरोख कर देते हैं। इस तरह ये 4000 लीटर के पैसे भी बचते हैं और इसके साथ साथ जो संगमरमर का जो वज़न है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये पत्थर लोड करने के बाद जब ये डीजल उसमें लोड करते हैं और यहाँ के वज़न करवाते हैं, वज़न करवाने के बाद ये इजाफी जो वज़न है वो जो मार्बल फैक्ट्रीज के मालिक हैं वो नुकसान उठाते हैं। वो ये समझते हैं कि हम इतना पत्थर हमें फैक्ट्री में लाया गया है लेकिन वो पत्थर हकीकत में कम होता है, तो ये भी इनको इजाफी फ़ायदा होता है। तो ये हमने जो है वो क्रैक डाउन शुरू कर दिया है इंशाल्लाह। और इस तरह रोज़ाना अगर एक गाड़ी 4000 लीटर डीजल लेके आए और यहाँ पर सैकड़ों गाड़ियाँ यहाँ बार बार मिल जा रही हैं, तो ये दो गाड़ियाँ हमने सीज़ की हैं फिर जो डीजल रिकवरी है तमाम गाड़ियों समेत हम कस्टम के हैंड ओवर कर रहे हैं ताकि इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा सके।